नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है फिरोजपुर झिरका में, और उसी पे हम बात करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ और भी मुद्दे हैं, उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो लगातार हम बीच में इनसे कई डिबेट हमने की तो इन्होंने कहा कांग्रेस को सड़कों पर उतरना चाहिए, और अब वो बानगी कहीं ना कहीं दिख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पिछले एक महीने से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सड़कों पर है। तो उसी पे विचार जानेंगे कि आखिर क्या चौहान साहब का समीकरण कहता है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है और जिस तरीके से देश भर में कार्रवाई इनके साथ जुड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में या कहें बीजेपी में खलबली मचाए हुए है। तो उसी पे चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे हरियाणा के जो दो लोकसभा सीटों के अंदर जो ये यात्रा पहुंच रही है, गुड़गांवा लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा में, तो उसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि यात्रा को लेके लगातार चर्चाएं हैं और उस पे हम बात करेंगे कि आखिर नरेश चौहान इस पूरी यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं। चौहान साहब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद मोहनलाल जी, बहुत दिनों बाद आपने ये चर्चा और ये विशेष चर्चा ये है ना, आपको दिल्ली से बुलाने का मतलब ये ना, आप लगातार जो कमेंट कर रहे थे कि हमारी जो डिबेट में आप बैठे थे, चर्चा में बार बार कह रहे थे कांग्रेस को सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। तो अब तो पिछले एक महीने से ज्यादा का समय हो गया, राहुल गांधी सड़कों पे है और लोगों से मिल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और अब तो हरियाणा में प्रवेश कर गए, अब हमारी बारी है इस पे चर्चा करने की। तो मोहनलाल जी, ये तो आप बधाई के पात्र हो, एचआर न्यूज चैनल बधाई का पात्र है। तो जो आपकी बात कहीं ना कहीं ट्रेवल करके राहुल गांधी तक और पार्टी हाई कमांड तक गई है, और उन्होंने ये निर्णय व्यवहारिक है, वास्तविक है। जब तक आप सड़कों की राजनीति नहीं करोगे, महलों में बैठ के, एसी कमरों में, बंद कमरों में बैठ के अब तक राजनीति होती आई है, लेकिन अब देश बहुत तरक्की कर गया है, हमारी युवा पीढ़ी हर लिहाज से सक्षम हो गई है, सब बात वोटर समझता है। लेकिन अब तो ना गर्मी है ना सर्दी को देखे किस तरीके से ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना लग चुका है, हरियाणा में प्रवेश कर गए, कहते हरियाणा की तो ठंड भी बड़ी तेज पड़ती है। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप जमीन से जुड़े आदमी का दर्द नहीं समझोगे और उससे इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप राजनीति में, इस दौर की राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। चलिए, राजस्थान से क्रॉस करके राजस्थान होकर के राजस्थान में जिस तरीके से जन समर्थन मिला, आपने देखी होगी तस्वीरें, बहुत सारी लगातार आ रही है, और अब हरियाणा में प्रवेश कर गई है। मेरा सीधा सवाल पे आ जाता हूँ कि जो दो लोकसभा सीट पड़ रही है, गुरुग्राम लोकसभा सीट और फरीदाबाद लोकसभा सीट, इसके क्या मायने निकाले जाए। यहाँ से कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार लगे हुए हैं, क्या पूरी कांग्रेस लगी हुई है, हुड्डा लगे हुए हैं, रंगा साहब लगे हुए हैं, और एक सबसे बड़े जो मेरे जहन में नाम है योगेंद्र यादव, जो हरियाणा में ना होकर के पीछे से लगातार यात्रा से जुड़े हुए हैं, क्या मायने निकाले जाए शॉर्टकट के अंदर सीधा, यानी कि हमारे दर्शक को समझ में आ जाए। सही, सही, कि मैंने जो मरहम का आपसे सवाल किया, क्योंकि मेरी जो सोच है कि कहीं ना कहीं जो दो लोकसभा सीट है उस पे कहीं ना कहीं एक पूरा राजनीतिक खेल नहीं तो हो जाएगा टिकट को लेकर के, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से, लेकिन योगेंद्र यादव के नहीं लगता कहीं एंट्री हो जाए। एंट्री हो जाए नहीं, हो चुकी है। आपने देखा कि योगेंद्र यादव एक अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में, उस कोर कमेटी में वो शामिल थे, और उन्होंने, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो भावनाओं में आके कोई निर्णय लिया होगा, और उन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन करके एक उनको मोरल बूस्ट दिया है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी से बढ़ के राहुल गांधी को मोरल बूस्ट दिया है, और वो निरंतर, मतलब कांग्रेस की प्रचार टीम, मीडिया टीम से बढ़कर अगर इस यात्रा को समझाने में, आम आदमी तक इसका मरम पहुंचाने में कोई कामयाब हुआ है तो वो योगेंद्र यादव है। और योगेंद्र यादव ने, आपको पता है कि भाई पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन अपनी पार्टी के बूते पर यहां से लड़ा था। योगेंद्र यादव का जो सेकुलर इमेज है, पारिवारिक दृष्टि से भी और उसकी अपनी आइडियोलॉजी की दृष्टि से भी, तो वो जो गुड़गांवा लोकसभा सीट में तीन मेवात हलके के जो विधानसभा क्षेत्र हैं,
और वहां की लगभग 5 लाख जो वोट हैं, जो कैप्टन अजय सिंह यादव को भी पिछले चुनाव में मतलब अहीरवाल से 21 वोट उसको इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत योगेंद्र यादव इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और कोई ताज्जुब नहीं हो कि भाई जिस तरह से आपको ध्यान हो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का मर्जर कांग्रेस में करवा दिया था जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, अच्छे अच्छे चुनाव हार गए थे, मतलब इससे भी बुरी स्थिति 1977 के लोकसभा चुनाव में हुई थी कांग्रेस पार्टी की जो 2019 में हुई, और उसको रिवाइव किया राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी रेवाड़ी में ही कांग्रेस में मर्ज करवा के, और 80 के चुनाव में बम्पर मेजोरिटी के साथ कांग्रेस आई थी। तो वही रेवाड़ी है और वही मैदान है, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये जो कौन सी स्वराज इंडिया है उसका मर्जर कांग्रेस पार्टी में हो जाए और गुड़गांवा लोकसभा सीट से योगेंद्र यादव कैंडिडेट हो जाए, तो ये सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चौंकाने वाला नहीं होगा, बिल्कुल चौंकाने वाला होगा, जो मंसूबे लोग बनाए बैठे हैं 2024 में, बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। 19 में कैप्टन ने चुनाव लड़ा, तो आपको नहीं लगता है कि यानी कि आम जो दर्शक है वो बड़ा ही कहें कि जो चीज नहीं सोचा वो चीज हो जाए, हो जाएगी, लेकिन अब वो कैलकुलेटेड, अब जो कांग्रेस का ये यात्रा का मूव है ये भी बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और दूरगामी। उस रणनीति में भी योगेंद्र यादव का कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भी रोल था, और अब योगेंद्र यादव खुलकर सामने आ गए हैं, सड़क पर इस यात्रा को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आपने कहा जस्टिफाई, लेकिन अगर हम ध्यान करें तो 2013 में जो आंदोलन हुआ था लोकपाल बिल को लेकर के, और जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठे थे, कहीं योगेंद्र यादव भी थे, अन्ना हजारे भी थे, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा था, लपका था, यानी कि जो आरोप लगाए थे, क्या लगता है उन तमाम चीजों को कांग्रेस भूल पाएगी? कांग्रेस यही वो लोग थे, कांग्रेस भूल गई, कहें कि छवि को धूमिल किया था, और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी ने, क्योंकि मैं भी योगेंद्र यादव का किसी चैनल पे इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे सवाल किया गया था, तो उस सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे कि जो राहुल को पप्पू बनाने में जितना पैसा बीजेपी ने खर्च किया वो कहीं ना कहीं व्यर्थ चला गया। पप्पू आज जो है राहुल गांधी ने उनको उल्टा बना दिया, और अभी संसद में बकायदा कहा होगा आप सबसे, यानी कि मोदी को लेकर के कहा कि सबसे बड़े पप्पू आप हैं। मैं वो ही कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस को भूलने और याद करने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज बीजेपी कहां पार्टी विद ए डिफरेंस है, सब अपना इमीडिएट आज फायदा देख रहे हैं, उस दौर की राजनीति चल रही है। तो कांग्रेस को, और आप कह रहे हो कि अन्ना हजारे आंदोलन, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं उस आंदोलन को खड़ा करने में भी इनिशियली उस टाइम की भारत सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट का हाथ था। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर 5-5 मंत्री, प्रणब मुखर्जी जैसे मंत्री वो रिसीव करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किस तरह से स्वामी रामदेव के साथ, वो सबने दुनिया ने देखा टीवी पर, पर्दे के पीछे जा रहे हैं, बात हो रही है, वार्ता हो रही है, वो जब वार्ता कांग्रेस के मुताबिक नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की होम मिनिस्ट्री का उनका राज था और उन्होंने स्वामी रामदेव को सलवार कमीज में सबके सामने पेश किया, तो उन बातों को छोड़ो। आज जैसे तमाम जो कांग्रेसी एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं, एक साथ जुटे हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा हो या कैप्टन अजय सिंह यादव हो या कुमारी शैलजा हो, तमाम लगता है कि मतलब ये 2024 तक तमाम लोग गुटबाजी नहीं होगी, एकजुट बने रहेंगे। और जैसा भी आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं 24 में गुड़गावा लोकसभा सीट से अगर योगेंद्र यादव को टिकट मिल जाए तो क्या पार्टी में बिखराव नहीं होगा? कोई बिखराव नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन तैयारी कर, कोई बिखराव नहीं होगा। कैप्टन आपके ध्यान नहीं, 2014 में भी कैप्टन को ऑफर की गई थी,
लेकिन कैप्टन ने बीमारी का बहाना बना के वो टिकट राव धर्मपाल के लड़के को दी गई, धर्मपाल जी। और 2019 में फिर चुनाव आया, तो अब जब कोई विकल्प ही नहीं रहा तो कप्तान को वो टिकट लेनी पड़ी। लेकिन अब कप्तान भी मन से खुश होगा, क्योंकि कप्तान और राव इंद्रजीत सिंह का टारगेट तो सेंटर की राजनीति की बजाय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और 2024 में विधानसभा का चुनाव भी होगा। अपने बेटे को उसने लॉन्च कर दिया, विधायक बना दिया, पेंशन बढ़ गई, आगे फिर देख लेंगे, तो कप्तान तो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। जी सिंह की तो चुनौती है ना अभी सामने, उनको तो अपनी बेटी को स्थापित करना है राजनीति में। उनका भी पिछले दिनों बयान आया था, बोला हमने दो बार टिकट मांगी, दोनों बार हमें नहीं मिली, और अब जब जीतेगी तो इसमें पार्टी का क्या रोल होगा। अभी आपने बताया, मैंने सुनो, आपने भी बताया कि भाई किस तरह से हमारी चर्चा में, हमने कहा जब तक सड़कों पर नहीं, हमारी पुरानी चर्चाओं में ये बात भी आई थी कि अब घर बैठे विरासत ट्रांसफर नहीं की जाएगी, उनके बेटे बेटियों को भी सड़क पर आना पड़ेगा। वो बात राव इंद्रजीत सिंह ने भी कह दी है और आरती राव ने भी कह दी है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि अब बच्चे हमारी बात बड़ों की नहीं मानते, अपने निर्णय खुद लेंगे, और आरती राव ने भी कह दिया है कि 2024 में मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर ये 2019 में लड़ लेती, आज जो हरियाणा की सरकार जो तीन पहियों पर टिकी हुई है, तीन स्तंभ पर, मतलब चौथी टांग तो निर्दलीय और जजपा हैं, स्टेबल कहां है। अगर वो लड़ लेती निर्दलीय भी हिम्मत करके, तो शायद वो कामयाब भी हो जाती और सरकार का हिस्सा होती। एक और बात का मैं कहूंगा, आपने लगातार कई बार आप चैनल पे बैठे जब आपने कहा हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, उसकी सुगबुगाहट फिर ये दो राज्यों के चुनाव को लेकर के आने लगी है। हमने उस टाइम भी कहा था, और मोहनलाल जी हमने प्रधानमंत्री से मिलना हो रहा है, हमने उस टाइम भी ये कहा था कि हम सुशासन की दृष्टि से, हमारा कोई ज्योतिषी वाला आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव में जो हालात होते हैं, उन हालात को देखते हुए पार्टी को सोचना चाहिए था, पार्टी ने सोचा भी होगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम इनका विकल्प, कोई बदलाव सामने नहीं आया हो। अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह की दावेदारी बहुत मजबूत थी, लेकिन दो बाई इलेक्शन पार्टी नहीं चाहती थी। एमएलए का चुनाव लड़वाना पड़ता प्रतिभा सिंह को, एक सीट खाली करवानी पड़ती और लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिलवाना पड़ता, वो करना पड़ता। तो हमारी चर्चा उस दिन भी हमारे हिसाब से सही थी और आज भी सही है कि मनोहर लाल का, मैंने बार बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये खड़ाऊं राज, हरियाणा में खड़ाऊं राज चल रहा है, तो ऐसी कोई खड़ाऊं मनोहर लाल जैसी हाई कमांड को हरियाणा में अभी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए गाड़ी चल रही है। तो बयान आ रहे हैं ना कि अब हमें जेजेपी की जरूरत नहीं है, निर्दलीय हमारे पास है, और वो भी हमने बताया है कि आप जैसे जो कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई जो जीता आदमपुर की सीट, उसके बाद तो कहीं ना कहीं और होते, लेकिन जो रिजल्ट जिला परिषद के चुनाव में आया, जो सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, उनमें जो गत बीजेपी की हुई है, क्या लगता है वो नाराजगी कहीं ना कहीं है या मैसेज गया है, क्योंकि अभी हिमाचल बीजेपी हार गई। अब करें क्या जब कोई विकल्प नहीं, हार गई, जब विकल्प नहीं है मोहनलाल जी, तो करें क्या, अब इस जुगाड़ से ही काम चला रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के एमएलए कौन खुश हैं, इनकी अभी मीटिंग हुई थी, उसमें हर बार 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 अखबारों में आती हैं ये चीजें कि भाई नाराज है, और इनकी इंस्ट्रक्शन होती है कि अधिकारी सुनो भाई, एमएलए की भी सुनो, हमारे अध्यक्ष की भी सुनो, लेकिन अधिकारियों की जो मौज इस 8 साल में हुई है, ऐसी मौज इन अधिकारियों ने कभी नहीं भोगी। इस बात पर मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि अधिकारियों को बात सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं खड़ाऊं की कौन सुने, लेकिन जो अरे मोहनलाल जी खड़ाऊं की कौन सुनता है, अधिकारी
डायरेक्ट हाई कमांड उनके तार भिड़े हुए हैं, जहां से सरकार चल रही है अधिकारियों की वहां सांठगांठ है। बीजेपी के लोगों से ज्यादा तो विपक्ष के लोगों के काम हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं अधिकारी? दाम बनाए काम, दाम बनाए काम। कौन कहता है पर्ची और खर्ची बंद हो गई? आए दिन FIR दर्ज हो रही है, लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की, रिश्वत की। सिपाही, चपड़ासी, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDO, XCN, पता नहीं क्या क्या, ये अखबारों में आ रही है। तो ये पर्ची और खर्ची का ही तो राज चल रहा है। चलिए, और फिर उनका क्या बिगड़ रहा है? एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पे आ जाते हैं, लेकिन एक और सवाल है, क्या लगता है जब से भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर के कहीं बीजेपी तरह तरह के, चाहे टी शर्ट को लेकर के हो, चाहे औरों को लेकर के, क्या लगता है बीजेपी में खलबली है? क्यों नहीं है? लोग वाकई मतलब भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, आपको लगता क्यों नहीं है? इसका असर हुआ है, क्यों नहीं होगा? 5-7% वोट इधर उधर हो जाए, लाल जी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? जब हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़, आपने किसान आंदोलन देखा, लोग सड़कों पर आ गए, उसमें भी चाहे कहीं कोई सरकार की रही हो हॉबनॉबिंग, लेकिन जब निरंतर आप सड़कों पर हजारों आदमी मुंह करेंगे, निकलेंगे, बैठेंगे, करेंगे, तो उसका असर पड़ता है, वो भी भीड़ नजर आ रही है ना, वही कह रहे हैं। एक और मेरा सवाल है, जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत ने कहा कि हम अप्रैल से आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और जिस तरीके से उज्ज्वला योजना को लेकर के बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी, हमने उज्ज्वला योजना जो है लागू करी है और लोगों को सिलेंडर दिए, लेकिन हालात और स्थिति जो निकल के आए हैं कि लोगों को सिलेंडर तो भरवाए नहीं, उन्होंने सिलेंडर ले लिया, लेकिन आज जो गहलोत कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और जिस तरीके से जो कहें पुरानी पेंशन को जो बहाल किया, क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये संजीवनी है? अगर इस तरीके के मुद्दे उछाले जाए या पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? लेकिन अब तक उछाल ही नहीं रही थी कांग्रेस। हम क्या कह रहे थे बार बार अपने पहले इंटरव्यू में, मतलब 2020 से इस कोरोना काल में भी सबसे पहले हमने कहा कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात हैं, इमरजेंसी लगा के कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी FIR रद्द कर दी। सेक्शन 188 क्या है, क्यों मजाक बना रखा है, किस बात की FIR? तो ये सब खेल। और अब फिर चाइना में रिपोर्ट आ रही है कि कोविड की लाइन लगी हुई है, तो आपके देश में भी कभी भी ये रेस्ट्रिक्शन मन मुताबिक सरकार पहुंच के स्वास्थ्य मंत्री देने के लिए क्यों नहीं होंगे, यात्रा को लेकर के गाइडलाइन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज उनकी चल रही है। लेकिन जब तो क्या, जब जनमानस कांग्रेस का जैसे जवाब आया हमारी यात्रा को रोकने की साजिश है, या क्यों नहीं रोकेंगे? जब खलबली, अभी आप पूछ रहे थे खलबली क्यों नहीं है, खलबली मैं वही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल खलबली है। मोदी जी को लगता है जमीन खिसक रही है, मतलब कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर और ग्रो करती है दिन प्रतिदिन, क्योंकि अभी और कई जगह होकर के निकली है। जमीन खिसकी का उदाहरण तो दिल्ली के MCD चुनाव में आपने देख लिया, हिमाचल प्रदेश में देख लिया। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को कह रहा है कि नाम वापस लो, जो निर्दलीय बागी हुआ और उसने नाम वापस नहीं लिया, तो वहां क्या हालत हुई? और दिल्ली में तो सारे बीजेपी राज्यों के तकरीबन मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री एक एक गली मोहल्ले में ड्यूटी लगा दी और MCD आपने छीन ली। तो आप जो है वो बीजेपी के फेकू अभियान का बाप है, उसने इनकी नबज पकड़ ली कि करो धरो कुछ मत, लेकिन लंबी लंबी फेंको, और वो करके भी दिखा रहा है। तो उसकी अब तक ये काट नहीं ढूंढ पाए, तो जमीन तो दिल्ली में ही इनकी नाक के नीचे खिसकी हुई है। एक और सवाल मेरा है, आजकल जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी में दो ही लोगों की चलती है, चाहे आपके कहें कि मंत्री हो, उनका भी लोगों को नाम नहीं पता, ना उनकी सुनी जाती है, ना उनकी बातों को ध्यान में दिया जाता है, संसद का सत्र चल रहा है, और पिछले दिनों जो मंत्रिमंडल में, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बदलाव किया गया, रविशंकर प्रसाद को ठिकाने लगा दिया गया, कई सर, क्या लगता है बीजेपी में भी एक अंदर आग धीरे धीरे विरोध की सुलग रही है,
या आरएसएस को लेकर के जो बीजेपी के रिश्ते हैं उसमें खटास जिस तरीके से लगातार सामने आ रही है। चाहे आप राजनीतिक इतिहास देखो, कांग्रेस कितनी बार टूटी, कांग्रेस भी एक संगठन 100 साल पुराना संगठन है, तो बीजेपी को तो अभी 1980 में ही बनी है बीजेपी, तो मैं वही बता रहा हूं कि जहां जहां नितिन गडकरी को लेकर के बात आ रही है, जहां उनका भी मंत्रिमंडल जहां कांग्रेस में भी कांग्रेस की विचारधारा या संगठन से ऊपर नेहरू एरा, प्रधानमंत्री का एरा, इंदिरा गांधी का एरा जैसा एक पर्सनालिटी कल्ट की हिंदुस्तान में राजनीति है। आज भी भारत सरकार के मंत्री टीवी पर ऑन रिकॉर्ड प्रेस ब्रीफिंग में मोदी सरकार कहते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं कहते। तो मैं वही पूछ रहा हूं ना, मतलब मोदी आरएसएस से, बीजेपी से, तमाम चीजों से ऊपर हो गए, भाई आप जो वोट देंगे सीधा मोदी को मिलेगा, बिल्कुल वो नाराजगी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो बाकी जो कहे सांसद है उनकी कोई वजूद ही नहीं है, उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तमाम अपने आदमी रिटायर जो रिटायर्ड है उनको ला करके आप राज्यसभा से मंत्री बना दीजिए और उनके हाथ में सौंप दीजिए तमाम चीजें, तो उसको लेकर के जो बीजेपी के जो कट्टर कार्यकर्ता है, जैसे अभी नितिन गडकरी को लेकर के लगातार देख रहे होंगे मीडिया में जो लगातार खबरें आ रही है, उनका भी मंत्रिमंडल जा सकता है या उनको आगे 24 में टिकट ही ना मिले, तो ये तमाम नाराजगियां क्या लगता है कि लोबी तैयार हो रही है मोदी के खिलाफ कि बीजेपी में खुद ही बगावत होगी आने वाले? लोबी से कोई फर्क नहीं पड़ता मोहनलाल जी, मोदी का नाम, मोदी का सिक्का चल रहा है, वोट मोदी के नाम से ही आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के नाम से वोट आ रहे हैं, कांग्रेस में अब कोई ऐसा नाम नहीं रहा जो वोट लेके आए। लेकिन अगर आते तो फिर हिमाचल क्यों हारे ये लोग, अगर मोदी के नाम से वोट मिलना था, दिल्ली एमसीडी क्यों हारे? बता दिया कि दिल्ली में तो इनके ऊपर इनसे बड़ा एक फेंकू आ गया, मतलब वो काम कर रहा है, जो ये काम नहीं कर पाए वो केजरीवाल कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने खूब, इनको एक अलार्मिंग कहते हैं ना कि भाई उत्तराखंड में तो आपने 4 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया, और बाई इलेक्शन 2 विधानसभा के और 1 पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए, खतरे की घंटी तो उसी दिन बज गई थी, लेकिन अब नहीं संभालो, नहीं वो करो तो रिजल्ट आपके सामने, उसमें मोदी भी क्या कर ले, क्या कर ले। और लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, ये वाकई कहने की बात है कि जिस तरीके से उसको जन समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में बताता है कि एक बार लोगों का रुझान फिर जो है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की तरफ हुआ है। और हरियाणा में अब जो यात्रा आएगी, क्योंकि अब जो घुस गई है कहें फिरोजपुर झिरका से होते हुए फरीदाबाद की तरफ कूच करेगी, फिर दिल्ली होते हुए सीधे यानी कि जाएगी, तो ये कई सारे मायने हैं। अब मैं आपसे एक और जानना चाह रहा हूँ, जो ये यात्रा जो चली है 3 दिन कहें कि हरियाणा के अंदर रहेगी, उसके बाद हरियाणा के और हिस्सों में भी आएगी, जीटी बेल्ट के ऊपर आएगी, वहां किस तरीके से देखते हो? वही कह रहा हूं मैं कि भाई ये अब कांग्रेस ने अपनी जो सेफ बेल्ट है ना, सेफ सीट, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के हिस्से इन्होंने जो हरियाणा का हार्टलैंड है, जो हरियाणा का जाटलैंड है, उसको एक किस्म से छोड़े हुए है। इस यात्रा के अगर हम रूट को देखें तो वहां कहीं ना कहीं हो सकता है हुड्डा साहब ने गारंटी ले ली हो कि भाई जाटों को मैं देख लूंगा, और उनकी पकड़ है भी कांग्रेस में, जो 15-16 एमएलए उनके सोनीपत, रोहतक, झज्जर, मतलब उस बेल्ट से आए हैं, उसके दम पर ही कांग्रेस कहीं ना कहीं हुड्डा को आगे किए हुए है। और इस यात्रा के रोड मैप से अदर देन हुड्डा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक लीडरशिप या कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर रही है। और वो आपने अभी बात करी बीजेपी में लॉबी, बीजेपी में तो ये कांग्रेसी घुसे हुए, उन्होंने जुगाड़ कर रखा है। सवाल वही, आप किस बात, किसकी लॉबी की बात कर रहे हो? और यही खेल हमने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस के 1 दर्जन एमएलए पर इनकी पैनी नजर है, और ये ऐसे क्राइसिस में हाई कमांड वो खेल भी
मध्य प्रदेश वाला और राज्यों वाला हरियाणा में खेल सकते हैं। एक और मेरा सवाल है, जो इतने साले छोड़ करके कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, करीबन कहें कई सारे 200-300 के आसपास चले गए, कई सारे विधायक, क्या लगता है 24 के अंदर कांग्रेस इनको वापस लेगी? जैसे राव इंद्रजीत है, अगर अब आना चाहे मान ले तो लेगी क्या? अगर अगर मेरा सवाल ये है कि अगर क्या होगा, अगर पोटेंशियल या अगर राहुल गांधी वापस इनको ले लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक नई टीम तैयार कर दी और जो दाग लग रहे थे बीजेपी जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में इस तरीके से भ्रष्टाचार है, और जिस तरीके से पूरा कहे 250-300 लोगों को बीजेपी में डाल दिया या बीजेपी उनको ले गई तोड़ मरोड़ करके, जैसे भी इनको खरीद लाल जी, यही तो मैं मेरा सवाल ये है, क्या जिस तरीके से टीम को फिल्टर कर दिया, कांग्रेस पार्टी को फिल्टर कर दिया, क्या कांग्रेस ऐसी गलती दोबारा करेगी वो वापस अपने घर वापसी लेकर के आए? हमने बताया कि ये तो कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय होगा, लेकिन यात्रा यात्रा का बता दिया हमने, मकसद ही ये है, जो नई टीम जो मकसद ही ये है यात्रा का, उसको लाना है राहुल ने, जो यात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो नई टीम कांग्रेस लाएगी, यानी कि नए चेहरे अब मान लो 2024 में सारे मिलेंगे। इसीलिए योगेंद्र यादव उसी कड़ी में है, और ऐसे कई चेहरे आपको आगे आगे, तो जैसे आपने अभी बताया दो लोकसभा गुड़गांव का आपने बता दिया, फरीदाबाद में क्या माना जाए? फरीदाबाद और गुड़गांव योगेंद्र यादव को दोनों ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं मेवात बेल्ट का टच है, असर है, और जीटी बेल्ट में अगर माना जाए तो वहां बहुत, अब क्योंकि हम उस यात्रा को हम कवर नहीं कर रहे। हाँ, सीधा समझ में आना चाहिए कि जो कई जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनका पत्ता साफ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब इस यात्रा का वही तो एक ब्रांड, राहुल ब्रांड आएगा अब जमीन से निकल के। अगर हरियाणा में बात करें, हुड्डा को जो फ्री हैंड दिया है कि तमाम फैसले अब हुड्डा जो कर रहे हैं, पूरी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर दिया, 24 में क्या परिणाम देखते हैं? बताया हुड्डा के पास एक बेस है, इसीलिए उसको, अब सुरजेवाला अपना इलेक्शन हार गया, दो दो हार गया, शैलजा अपने हलके में बाई इलेक्शन में पार्टी की जमान जब्त करवा बैठी, तो अब आदमी कोई नहीं है, लेकिन तो क्या किया जाए? लेकिन देखिए 2019 में कैप्टन के बेटे ने जो जीत करके और जो कहीं ना कहीं पार्टी में जगह बनाई है, मोहनलाल जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मोहनलाल जी में क्या आसान है? रेवाड़ी की जीत जो है वो, चलिए जैसे भी, हाँ, उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई पकड़ बनाई हो, ये सब भाग्य का खेल है, रेवाड़ी का इलेक्शन भी भाग्य के खेल से, सहारनवास का चिरंजीव राव जीत गया, नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन भी भाग्य के सहारे सहारनवास की चेयरपर्सन बन गई, और अभी दो चार दिन पहले रेवाड़ी बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी सहारनवास का सौरभ यादव बन गया, और योगेंद्र यादव भी सहारनवास गांव का ही है, तो ये जब एक बार चल निकलती है ना कोई बात, तो वो संयोग चमत्कार भी कर देता है। तो चलिए हमारे दर्शक अगर आपसे कम शब्दों में चाहें 2024 का पूरा नक्शा थोड़ा सा समझा सके कम शब्दों में। देखो 2004 में जो कांग्रेस की रिवाइवल हुई, 2004 में इलेक्शन से पहले कांग्रेस हरियाणा में जीरो थी, और 2004 में कांग्रेस चमत्कारिक रूप से सोनिया बनी थी राष्ट्रीय, लेकिन अब खड़गे साहब आ गए हैं, खड़गे साहब आने के बाद हिमाचल जैसे मिली है, जैसे हम जैसे संकेत अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे हम मनोहर लाल खट्टर को खड़ाऊं चीफ मिनिस्टर की संज्ञा देते हैं, ऐसे ही खड़गे साहब कांग्रेस के खड़ाऊं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे निर्णय राहुल गांधी और परिवार ही। लेकिन बोल तो बेभाग रहे हैं लोकसभा में, जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा आजादी की लड़ाई के अंदर सीधा जो निशाना साधा है उसको लेकर के भी विवाद खड़ा हुआ। मनोहर लाल जी क्या नहीं बोल रहे? मनोहर लाल जी को बोलना पड़ा कि लोग YouTube पर और रात को मुख्यमंत्री बदल के सोते हैं और सुबह फिर शुरू हो जाते हैं, बोलना पड़ा मनोहर लाल खट्टर को भी।
तो बोलने की तो सबको आजादी। हमारे साथ नरेश चौहान जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ और भी कई मुद्दों पे बात की, क्यों कई दिनों बाद बैठे हैं तो जाहिर है ये लगातार चर्चा कर रहे थे कि सीएम का भी बदलाव हो सकता है और कांग्रेस को सड़कों पे आना चाहिए, और कांग्रेस की सड़कों पे निकली है भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा में प्रवेश कर गई, उसी पे हमने आपको ये बेबाक राय इनकी जो है दिखाई और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।